क्रिकेट नहीं हो रहा है, आप कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं रहा, क्रिकेट नहीं हो रहा है। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम जानेंगे कि भाषा क्या है और व्याकरण। भाषा शब्द कहां से आया और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, और ये भाषा शब्द में हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं भाषा के बारे में, भाषा है क्या और यह किस धातु से मिलकर बना है। भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है, भास ये धातु है, धातु। भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। और इसमें ये जो धातु है क्या, धातु की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया के मूल रूप होती है उसको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक शब्द बोलते हैं पढ़ना, पढ़ना, यदि इसमें ना शब्द लग गया, ये ना, तो यह क्रिया का मूल रूप नहीं है। ये क्रिया का मूल रूप जो होगा वो होगा पढ़, यानी यही पढ़ शब्द जो है हमारा क्या धातु है। और जो ये धातु होती, जितनी भी धातुएं होती है अपने मूल रूप में होती हैं, मूल भाषा में। और मूल भाषा हम लोगों की कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा, मूल भाषा जो संस्कृत। और एक चीज यही जान लें कि संस्कृत के जन्मदाता कौन है। संस्कृत के जन्मदाता पाणिनि है। पहले वाले कोट पाणिनि, पाणिनि जो है हमारे संस्कृत के जो है पिता है, इनको हम पिता के रूप में जानते हैं। संस्कृत के जो पिता है वो पाणिनि है। और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं भाषा, और भाषा में आज हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो हिंदी के बारे में, और यह हिंदी के पिता, हिंदी के पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, चंद्र। यहां पे दो चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो हम लोग हिंदी स्टडी करते हैं, हिंदी के पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हमारी मूल भाषा संस्कृत है,
और संस्कृत के पिता या फादर पाणिनी है। यहां पे आप लोगों दो चीजों के बारे में बताया कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है, भाष धातु से, और जितनी भी धातुएं होती है वो अपनी मूल भाषा में होती है। मूल भाषा हम लोगों की कौन सी है, संस्कृत है, और संस्कृत के पिता जो है पाणिनी है। और मैं यहां पे बताया था कि भाष मीन्स विचार प्रकट करना, और विचार प्रकट करना यानी विचार का अर्थ क्या होता है, विचार का अर्थ होता है अद्वैनात्मक। अद्वैनात्मक, अद्वैनात्मक का मतलब होता है मनुष्य के मन की वह आवाज, सॉरी, मनुष्य के मन की आंतरिक इकाई जिसको हम बोलकर दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते उसको हम लोग विचार कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जाने, अब आगे चलते हैं कि ये भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है, मनुष्य की वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। यानी भाषा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर जो प्रकट करता है, लिखकर या बोलकर दो ही तरह से लोग करते हैं, या तो लिखते हैं या तो बोलते हैं, या तो लिखकर कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर। लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, लिख करके जिसको हम लोग, कभी भी यह ध्यान रखना जो भी लिखित भाषा होती है वह कभी बदलती नहीं है, वह एक अस्थाई रूप में रहती है। और ये जो बोलकर है, बोलने वाली जो भाषा है, इसको हम लोग जो है मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जो हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, उसको हम लोग जो है मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखने जो भी भाषा हम लिखते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं, और बोलने वाली भाषाएं जो है मौखिक होती है, और यह बोलने वाली भाषा जो है हमेशा जो है अस्थाई होती है, यह अस्थाई नहीं होती है, समय समय पर यह जो है बदलती रहती है, लेकिन लिखित भाषा बदलती नहीं। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे आप लोगों दो चीज बताया, लिखकर और बोलकर भाषा को दो रूपों से प्रकट करते हैं, या तो लिखते हैं या तो बोलते हैं। लिखकर के जो प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा, जो बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसको जो है हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अब यहां से हम लोग दोनों का अंतर मैंने बता दिया कि लिखित भाषा जो है अस्थाई होती है, मौखिक भाषा अस्थाई होती है, लिखित भाषा बदलती नहीं है, मौखिक भाषा बदल जाती है।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी में है ये चीज, बोली। बोली क्या है? बोली है क्या? भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा, भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अभी की बात सुन, बोली हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन बोली एक ऐसी भाषा है जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। एक हिंदी में कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बाड़ी। यानी हम, हमारी जो बाड़ी है, हम यहां जो भी भाषा बोलते हैं, अपनी जो भी बोली बोलते हैं, कुछ जगह जाने के बाद इस स्थान से जब दूसरे स्थान पर हम जाते हैं, यानी कुछ दूरी पर निकलते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे जैसी जो है ये भाषाएं नहीं बोली जाती है, बल्कि वहां पर कोई और भाषा बोली जाती है। वहां भी कई भाषाएं बोली जा सकती है, उसमें बुद्धनी होती है। कुछ लोग गढ़वाल की तरफ जो है गढ़वाली भाषा बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, केरल में अंग्रेजी बोलते हैं, और यह यानी जो है हमारी भाषा है वो स्थान के अनुसार जो है क्या है, परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तित होती रहती है। अब लेकिन इसमें भी ये जो बोली है, ये तो किसी क्षेत्र का हो गया, किसी क्षेत्र का हो गया, यानी हम कह दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही ले लें उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कुछ